बिहार में सियासत अपने चरम पर है। जहां एक तरफ महागठबंधन में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस विवाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ महीने पहले रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर लगातार वो अपने बयानों पर टिके रहे। 28 फरवरी को बिहार बजट सत्र के दूसरे दिन उन्होंने फिर रामचरितमानस पर ज्ञान बांटने वालों को चुनौती दी है। वो बहस करने के लिए भी तैयार हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस पर जो उन्होंने कहा है वही सत्य है। तो वहीं इस मामले पर जेडीयू विधायक ने अपनी ही पार्टी की शिक्षा मंत्री पर पलटवार किया। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार में मचे इस सियासत घमासान पर बीजेपी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस पूरे विवाद पर जेडीयू अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है और बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हिंदू धर्मगुरु राम भद्राचार्य ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को कुछ आता जाता नहीं है, रामचरितमानस में एक भी अक्षर गलत नहीं है। बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने, समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। ये भी कहा था कि ये दलित पिछड़ों को पढ़ने, आगे बढ़ने से रोकता है। आज भी बयान पर कायम है, कुछ नया भी बोले हैं। जेडीयू ने कार्रवाई की मांग की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरजेडी भी चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। ये मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों तक उठा। लगातार चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि वो आगे भी बोलते रहेंगे। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.